मुरादाबाद शिवसेना उत्तर प्रदेश द्वारा मंडल आयुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर एक ज्ञापन मंडल आयुक्त को सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि जिला चिकित्सालय मुरादाबाद में लगभग 60% व्यक्तियों के मेडिकल फर्जी बनाए जाते हैं, जबकि पीड़ित एवं वास्तविक मेडिकल वाले व्यक्तियों से अवैध सुविधा शुल्क की मांग की जाती है। मांग पूरी न करने पर व्यक्ति की चोट को गलत व कम करके दर्शाया जाता है। इस पर तत्काल रोक लगाकर कार्रवाई की जाए। महिला चिकित्सालय, आई डिपार्टमेंट, अन्य विभागों में बिना सुविधा शुल्क लिए मरीजों का इलाज नहीं किया जाता, इस पर भी तत्काल रोक लगाई जाए। वहीं रामेश्वर दलाल तुरैया ने कहा कि सीएमओ कार्यालय के प्रत्येक पटल पर बिना रिश्वत दिए कोई कार्य नहीं किया जाता, इस पर तत्काल रोक लगाई जाए। भाई साहब, क्या नाम है आपका और किस संबंध में यहाँ प्रदर्शन किया जा रहा है? डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरैया, शिवसेना जिला प्रमुख मुरादाबाद। आज शिव सैनिक मंडल आयुक्त कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर मंडल आयुक्त महोदय को प्रेषित ज्ञापन में जिला अस्पताल में हो रही अवैध वसूली का कड़ा विरोध करते हैं। इस पर कार्रवाई की मांग करते हैं। ज्ञात हो कि महिला अस्पताल में, आई वार्ड में झोला छाप डॉक्टरों आदि से अवैध वसूली की जा रही है। सीएमओ ऑफिस के प्रत्येक पटल पर बिना रिश्वत दिए कोई भी कार्य नहीं होता है। अतः शिवसैनिक मांग करते हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी का तत्काल ट्रांसफर किया जाए, उनकी जगह नई नियुक्ति की जाए, ताकि मरीजों से हो रही अवैध वसूली पर रोक लगाई जा सके। जय हिंद, जय भारत।